खबर हाजीपुर से है, जहां वैशाली डीएम उदिता सिंह ने कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए टाउन हॉल में कोविड 19 जांच केंद्र खोले जाने की बात कही है। सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान डीएम उदिता सिंह ने कहा कि अब सदर अस्पताल में कोविड 19 जांच केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि अब टाउन हॉल में कोविड 19 जांच केंद्र खोला जाएगा। सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची डीएम ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। कहा गया कि कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए सदर अस्पताल में कोविड 19 केंद्र है उसे हटाकर टाउन हॉल में शिफ्ट कर दिया जाए। यह निर्णय सामान्य मरीजों की सुरक्षा को लेकर किया गया। मौके पर डीएम के अलावा डीडीसी विजय प्रकाश मीना, एसडीओ अरुण कुमार समेत कई अधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद थे। अभी जो कंट्रोल रूम का विजिट किया गया और हम लोग का जो सदर अस्पताल है इसको हम लोग नॉन कोविड हॉस्पिटल की तरह रखते हैं। हमारा जो डीसीएचसी है वो महुआ का अनुमंडल अस्पताल में है, इसीलिए अब हम लोग जो है टेस्टिंग जो है कोविड पेशेंट का टेस्टिंग है उसको शिफ्ट करके टाउन हॉल में कर रहे हैं। अब टेस्टिंग अनुमंडल यहाँ सदर अस्पताल में नहीं होगा बल्कि टाउन हॉल में होगा, ताकि सदर अस्पताल हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल की तरह फंक्शन। ज़्यादा देर तक फाइबर जाँच हो रही थी, नहीं, कंट्रोल रूम का इंस्पेक्शन किया गया। यहाँ से डेली जितने पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारे जितने जिला में एक्टिव केस है उनको डेली संपर्क किया जाएगा, ताकि उनको कोई भी दिक्कत होने पर, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर, उनको होम आइसोलेशन से तुरंत हमारे कोविड केयर सेंटर या फिर डीसीएचसी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ शिफ्ट किया जाए।